नमस्कार मु राखी सा आपण मानको मो चैनल को स्वागत करुची। आज आम सरस्वती शिशु मंदिर चतुर्थ श्रेणी हिंदी बही जार नाम सरस्वती हिंदी भाषा सोपान भाग थ्री भाग तीन से बहीटर प्रथम विषय पढ़ा। चलो आरंभ करवा। प्रथम विषयटर नाम हूँ प्रार्थना। मु आरंभ करुची पढ़ा पढ़ा को ध्यान देवा। हम बालक हैं अति नादान, तुम हो पिता ज्ञान की खान, वही वस्तु दो हमको आप, जिससे मीटें सभी संताप, बुद्धि सुधो निर्मल ज्ञान, होवे हम सबका कल्याण, तुम पर सदा रहे विश्वास, कभी न करें पराई आस, सेवा करें करें सम्मान, सब में सदा तुम्हें पहचान, भूले नहीं तुम्हारी याद, करें न एक पल बर्बाद, देखें तुम्हें सदा ही साथ, सिर पर रहे तुम्हारा हाथ। एठारे किसी शब्दार्थ दिखाई देखिबा। नादान अर्थ सरल, सरल जो कुछ नहीं जानता, सरल जे किसी भी जानी न थाए। खान अर्थ खादान बा भंडार, संताप अर्थ दुख, निर्मल अर्थ मल रहित पवित्र, कल्याण भलाई मंगल, पराई दूसरों की, आस आशा यानी कि इच्छा, पल समय का एक छोटा भाग, आँख की पलक एक बार गिरने का समय, आखिर पलक थरे पड़ीबार जो समय ताको एक पल बोली कहा जाए। ये जो शब्दार्थ बुझे को सहज हम कहीं प्राय जो अर्थ लिखाई हिंदी में ओडिया अर्थ सहित सामान विषय टी आम बुझा। हम बालक हैं अति नादान, आम बालक अटु अति सरल, तुम हो पिता ज्ञान की खान, तुम्हें ही पिता ज्ञानर भंडार। एठार छोट पिला माने भगवान का निकट रे प्रार्थना करुछंती, हे प्रभु आमे होचु बालक जिए कि अति सरल, तुम्हें ही पिता जिए कि ज्ञानर भंडार। वही वस्तु दो हमको आप, जिससे मीटे सभी संताप, आपण आमको से ही वस्तु दियंतु जहाद्वारा सब दुख मिटिजिव, संताप अर्थ दुख। बुद्धि शुद्ध हो निर्मल ज्ञान, आम बुद्धि शुद्ध हो ज्ञान निर्मल होवे हम सबका कल्याण, आम समस्त कल्याण हो। तुम पर सदा रहे विश्वास, तुम उपरे आमर सदा सर्वदा विश्वास रहू, कभी न करें पराई आस, केबे भी आमे परर जिनस उपरे आशा रखिबा नाही, पराई अर्थ अन्य मानकर परर, आस माने आशा बा इच्छा। सेवा करें करे सम्मान, सेवा करिबु सम्मान करिबु, सब में सदा तुम्हें पहचान, समस्तक मध्यरे सबुबले तुमको देखि परुथिबु चिन्हि परुथिबु। भूले नहीं तुम्हारी याद, तुमर कथा केबे भी आमे भूलिबु नाही, करे ना एक पल बर्बाद, कौनसी मुहूर्त बा समय को आमे नष्ट करिबु नाही। देखें तुम्हें पल अर्थ जो मुहूर्त, आखिर पलक थरे पड़िले जेतिक समय, देखे तुम्हें सदा ही साथ, सब बेले तुमको आमे साथी रे देखिबा को चाहूचू। सिर पर रहे तुम्हारा हाथ, आम मथा उपरे सदा सर्वदा तुमर हाथ रहु, अर्थात तुम आशीर्वाद आम उपरे सदा सर्वदा रहु। आर प्रश्न उत्तर को जीवा। इस कविता में किसकी प्रार्थना की गई है? इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्हें क्या कहकर संबोधित किया गया है? ज्ञान की खान। ज्ञान की खान कविता में किसे कहा गया है? भगवान को। हमें किस चीज़ की आशा नहीं करनी चाहिए? पराई चीज़ की। हमें क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए? एक पल। दुई नंबर पद्यर शून्य स्थान देखिए, हमें पद्य को देखिक पूर्ण करवा। नीचे दिए तीन नंबर दीजिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से नाम बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। बालक नादान है तो नाम बताने वाले शब्द क्या है? बालक। पिताजी ज्ञान की खान है। कौन पिता ज्ञान की खान है? पिताजी। ईश्वर महान है। कौन महान है? ईश्वर महान है। तो नाम बताने वाले शब्द किए रहिले? बालक, पिताजी, ईश्वर। चार नंबर ये शब्द गुड़ी को तीन तीन थर लिखा को कही। पांच नंबर ये शब्द रे वाक्य तैयारी करके कही। नादान, हम बच्चे अति नादान है। पहचान, हम हर वस्तु में भगवान को पहचान सकते हैं। वस्तु, भगवान हर वस्तु में है। विश्वास, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। आउ भी एक नंबर कौर उत्तर ही पार से जो कही इस कविता में किसकी प्रार्थना की गई है? कौन कहली मु इस कविता में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें वही वस्तु दो जिसके द्वारा हमारा सारे संताप या दुख मिट सकते हैं।
जदि आपण मानक मो भिडी पसंद आसी था तेज दयाक मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ परवर्त विषय टी पढ़ापी मो परवर्ती वीडियो को अपेक्षा रहा।